नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के अल्पसंख्यक के पीएम बनने पर संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बने, साथ ही अल्पसंख्यक के पीएम बनने पर जो रोक है उसे हटाया जाए। वहीं दारुल उलूम देवबंद पर कहा कि दारुल उलूम को मान्यता की जरूरत नहीं है। दरअसल ऋषि सुनक के पीएम बनने पर पी चिदंबरम और शशि थरूर के ट्वीट पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का कहना सही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बने। ये पी चिदंबरम साहब ने जो एक सवाल उठाया है, मैं इसको डिटो करता हूं और ये इनका सवाल सही है। क्या मानते हैं आप इसको लेकर के? किसको? जो ब्रिटेन में पीएम बना है अल्पसंख्यक, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है, और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है और हर आदमी को उसमें हक दिया गया है, हर कौम, हर बिरादरी, हर मजहब के इंसान को, कि वो आगे बढ़ सकता है। यूपी के बांदा में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ ने पैसों की डिमांड की थी, वो पूरी नहीं करने पर बच्चे की हालत गंभीर बताकर रेफर कर दिया, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिजन इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। आए दिन जिला अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिला प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां भिनगा बहराइच मार्ग पर बखला पुल पर लावारिस हालत में बाइक मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक की डिग्गी से एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। वहीं बाइक चालक के नदी में कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला भिनगा कोतवाली अंतर्गत बुखला घाट का बताया जा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां ब्लॉक क्षेत्र के शांतर शाह गांव में तालाब में एक मासूम बच्चा गिर गया। वहीं पास से गुजर रहे रेढ़ा चालक ने डूबते बच्चे की जान बचाई, जिसके बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं गांव वालों ने उस चालक को बधाई दी है। अगली खबर थराली से है, जहां पिछले 21 अक्टूबर की रात्रि को पैनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने से गांव की तरफ आए बड़े बड़े बुलडरों ने एक आवासीय मकान को जमींदोज कर दिया था, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक 15 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि अन्य परिवारों के सामने अपने घर छोड़कर टेंटों में रहने को मजबूर है। चमोली के जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने पैनगढ़ गांव के प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि पैनगढ़ गांव के प्रभावितों का कहना है कि उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ सहायता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को सभी प्रभावितों को शीघ्र खाने के लिए राशन और गर्म कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जो लोग काल के गाल में समा गए हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई है पैनगढ़ में, और जब मैं वहाँ पे गया उन लोगों के बीच में तो मैंने उन लोगों का दर्द सुना। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से जो लोग वहाँ पे हैं, जो 18-20 परिवार हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को कम से कम तत्काल वहाँ पे राशन पानी और उनके पास कपड़े, ओढ़ने के कपड़े नहीं हैं, ठंड का मौसम है, बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए टेंट नहीं है। उनको पूछा तो वो कह रहे थे पिछले साल के टेंट जो पिछले साल सरकार ने दिए थे वो टेंट हैं। खबर हरदोई से है, जहां प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर के थाने ले गई। ये पूरा मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के कटरा बिल्हौर हाईवे शेखपुरा गांव का बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां राजपूत ढाबा में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। ढाबा के कमरे में दो लड़की और दो लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। संभल में दीपावली की रात हुए जुए को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद जमकर मारपीट और पथराव हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर हुए पत्थरबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। पथराव में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी घटना संभल जिले के धनारी थाना इलाके के गाँव सुनबर सराय की बताई जा रही है। आज दिनांक 25 अक्टूबर को थाना धनारी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सुनबर सराय में एक ही जाति के दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और पत्थरबाजी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही थाना पुलिस भाली पुलिस फोर्स के साथ में गांव पहुंचा। वहां पर 5 लोग घायल पाए गए, उनको अस्पताल मेडिकल के लिए और इलाज के लिए तत्काल भेज दिया गया है। यूपी के पीलीभीत जिले में 24 अक्टूबर को दीपावली की देर रात आसमान से एक अद्भुत पत्थर एक घर की छत पर गिर गया। वहीं पत्थर के गिरने से जोरदार धमाका भी हुआ, लेकिन आतिशबाजी के शोर शराबे में किसी को पता नहीं चला। वहीं घर के सभी सदस्य छत पर पहुंचे, तब उस पत्थर को देखा। पत्थर बहुत गर्म था, उसमें ताप इतना था कि छुआ भी नहीं जा सक रहा। साथक फिलहाल अगली सुबह उस पत्थर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बता दें कि ये पूरी घटना सुनगढ़ी इलाके के इनायतगंज मोहल्ले का है। वहीं अब महिलाएं उस पत्थर को प्रणाम कर रही हैं। नहीं कह नहीं सकते सर, जो पत्थर लगा हमें तो ऊपर से आसमान में से गिरा है कोई चीज। रात में करीब 12:30 बजे के बीच में धमाका हुआ बहुत जोर का। मैंने बाहर उतर के देखा तो ऊपर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद देखा तो ये ऊपर एक पत्थर सा पड़ा हुआ, तो हमने देखा तो बहुत गर्म हो रहा था, ये काफ़ी देर तक गर्म रहा। फिर हमने उसे सुबह को फिर देखा, तो हटाया तो सुबह आंगन में मिट्टी उट्टी सब पड़ी हुई थी, तो बाउंड्री देखा चटक गई सारी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।